अगेन वी आर कंटिन्यूइंग आवर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अरे तो हम चलते हैं राइट प्रॉब्लम। पहले एक कमर्शियल एयर क्राफ्ट मैन्युफैक्चरर वाइज रिवेट्स टू यूज इन असेंबलिंग एयरलाइनर्स, ठीक है। ईच रिवेट सप्लायर दैट वांट्स टू सेल रिवेट्स टू एयर क्राफ्ट मैन्युफैक्चरर मस्ट डेमोंस्ट्रेट दैट इट्स रिबेट्स मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। मतलब बेसिकली एक कंपनी जो है वो रिबेट्स बनाती है, और एयरलाइन कंपनी जो है जो असेंबल करने वाली है राइट, वो उसको खरीद रही है राइट। अब क्या है इसमें, जो भी सप्लायर जो है वो क्या चाहता है, वांट्स टू सेल रिबेट्स, वो उसको बेचना चाहता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एरर कम होने चाहिए, करेक्ट, तभी दूसरा आदमी खरीदेगा। मैन्युफैक्चरिंग एरर्स, नाउ वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन, उसका एक स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन ये है द मीन शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल सच रिबेट्स रिबेट्स म्यू इज एट लीस्ट 925 पाउंड। उसका शियरिंग स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एट लीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए, 925 पाउंड होना चाहिए। ईच टाइम द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बाइज रिबेट्स इट इज कंसर्न दैट, वो जब भी वो खरीद रहा है तो उसका कंसर्न क्या है, द मीन स्ट्रेंथ माइट बी लेस देन 925 पाउंड स्पेसिफिकेशन, तो उसका है कि यदि कोई भी उससे कम का आ जाए नहीं राइट, तो उसके लिए गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट उसने उतना मांगा है, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ बियर कर रहा है तो ठीक है नहीं करेक्ट, लेकिन उसका कंसर्न ये है कि मीन स्ट्रेंथ जो है वो माइट बी लेस देन ये, तो उसको वो चीजें चेक करनी है बेसिकली, तो उसके लिए वो क्या करेगा, सैंपल डाटा इकट्ठा करेगा राइट, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है उस सैंपल डेटा से लेकर के वो पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करेगा। मींस जो मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई कर रहा है रिबेट्स उसके बारे में वो जजमेंट ले लेगा बाय टेकिंग सम सैंपल्स कि भाई तेरा ठीक है हम तुरंत से खरीद सकते हैं सारी चीज। द प्रोसीजर इज लाइक दिस। नाउ ईच, एक नोट में कुछ चीजें लिख रहा है जरा इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। ईच इंडिविजुअल रिबेट हैज ए सियरिंग स्ट्रेंथ विच इज डिटरमिन्ड बाई मेजरिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द रिबेट्स राइट। क्लियरली नॉट ऑल द रिबेट्स कैन बी टेस्टेड, देयरफॉर ए सैंपल ऑफ रिबेट्स विल बी टेस्टेड एंड ए डिसीजन अबाउट द मीन स्ट्रेंथ ऑफ ऑल अनटेस्टेड रिबेट्स विल बी बेस्ड ऑन द मीन फ्रॉम विच सैंपल्ड एंड टेस्टेड। जो सैंपल लेंगे जितने लेंगे और टेस्ट करेंगे उसी के बेसिस पे जो है अनटेस्टेड रिबेट जो है उसके बारे में हम डिसीजन ले लेंगे करेक्ट, कि वो ठीक ठाक है या नहीं है करेक्ट। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या था, सेटअप क्या डिस्क्राइब, पहला स्टेप नंबर वन ये चीजें, दो चीजें सेटअप करनी है। ए में क्या था, डिस्क्राइब द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, तो अब इसमें क्या होगा, द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट इज मीन म्यू, वो पैरामीटर लेना है उसका, द मीन सियरिंग स्ट्रेंथ और मीन फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक और सियर द रिबेट्स बीइंग कंसीडर्ड फॉर परचेज। ये हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को हमने डिस्क्राइब कर दिया। उसका बी पार्ट क्या है सेटअप में, स्टेट द नल हाइपोथेसिस एच जीरो एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच ए लिखा है या एच वन, जो भी आपको लिखना है लिख लो। द नल हाइपोथेसिस एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड बाय इंस्पेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हमें देखना है, पहले समझना है और तब जाकर के क्या हमें नल हाइपोथेसिस और
अल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है, द फर्स्ट फॉर्मुलेटिंग टू अपोजिंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मीन, राइट, क्योंकि मीन ही उसको टेस्ट करना है, मीन फोर्स उसको चाहिए, तो इसी मीन के बेसिस पे दो अपोजिट हाइपोथेसिस हमें फॉर्मुलेट करने हैं। फॉर आवर एग्जाम्पल द टू अपोजिंग स्टेटमेंट्स आर, एक क्या हो सकता है, द मीन शियरिंग स्ट्रेंथ इज लेस देन 925 पाउंड, एक तो ये हो सकता है कि लेस देन, इसका मीन शियरिंग स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन 925 पाउंड है, तो म्यू विल बी लेस देन 925, द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंसर्न्स, जो वो बना रहा है उसका कंसर्न है, करेक्ट। बी, द मीन शियरिंग स्ट्रेंथ इज एट लीस्ट 925, करेक्ट, तो उस केस में म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, 925 होना चाहिए, करेक्ट। द राइवेट सप्लायर्स क्लेम्स एंड द एयरक्राफ्ट एंड द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन, उसका स्पेसिफिकेशन है यही है कि कम से कम स्ट्रेंथ जो होना चाहिए 925 होना चाहिए, तो दो बना दिया, एक एट लीस्ट 925 इक्वल टू चलेगा, और दूसरा जो है वो लेस देन, उसका अपोजिट जो है वो लेस देन आ गया, राइट। नोट, अब यहां पे एक चीज और समझना है, देखो द ट्राइकोमी लॉ फ्रॉम द अलजेब्रा स्टेट्स दैट द टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, राइट, वैल्यूज मस्ट बी रिलेटेड इन एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री पॉसिबल रिलेशनशिप, मतलब दो यदि न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो या तो लेस देन होगा, या इक्वल टू होगा, या ग्रेटर देन होगा, यही तीनों कॉम्बिनेशंस जो होना चाहिए उसके बीच में होना चाहिए, करेक्ट। ऑल द थ्री ऑफ दोज दीज पॉसिबिलिटीज मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन टू अपोजिंग हाइपोथेसिस इन ऑर्डर फॉर द टू हाइपोथेसिस टू बी निगेशन ऑफ ईच अदर, मतलब ये बोल रहा है कि ये तीनों ही साइन जो है लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये तीनों ही यूज होने चाहिए, ये दो हाइपोथेसिस जो बना रहे हैं हम लोग, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और वो नल हाइपोथेसिस का और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों जो होना चाहिए एक दूसरे का निगेशन होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, एक जो यस बोलना चाहिए तो दूसरा नो बोलना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि ये तीनों सिंबल आपको तीनों चीजें यूज करना है, यदि कोई न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज यदि आप यूज कर रहे हैं तो, दिस इज अ बेसिक, मतलब कैसे लिखना है ये बात समझना जरूरी है, नल हाइपोथेसिस कैसे स्टेट करना है, क्योंकि आपको थेसिस में, पेपर में हर जगह पे ये चीजें स्टेट करनी होगी, इवन अगेन एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो यहीं पे आपको अलग कर देंगे वो लोग, वहीं से टेस्ट करेंगे कि आप इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि कैसे स्टेट किया जाता है, करेक्ट। द थ्री पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड हाइपोथेसिस आर शोन इन 8.5, राइट, रिकॉल दैट द नल हाइपोथेसिस असाइंस ए स्पेसिफिक वैल्यू टू द पैरामीटर इन क्वेश्चन, नल हाइपोथेसिस assigns a specific value to the parameter in a question and therefore equals jo word jo hai will always be part of the null hypothesis, kya bola, recall that null hypothesis assigns a specific value to the parameter, ek specific value assign karna hai null hypothesis ko in question and therefore equal sign will be always part of नॉल हाइपोथेसिस, इसलिए मानते दोनों इक्वल है, नो इफेक्ट, ऐसा इस टाइप की चीजें आएंगी, राइट। ये 8.5 जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, जो वहां पे बोला था थ्री पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ नॉल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बनते हैं। नॉल हाइपोथेसिस में क्या होगा, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे और उसका निगेशंस लेस देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस में यूज करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू होगा तो यहाँ पे ग्रेटर देन यूज करना है, और इक्वल टू होगा तो नॉट इक्वल टू यूज करना है, ठीक है जी। तो द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट जो है द पॉपुलेशन मीन म्यू इज रिलेटेड टू द वैल्यू, कितना 925 से था,
दस स्टेटमेंट ए बिकम्स द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू लेस देन 925, द मीन इज लेस देन 925. क्यों बोला? क्योंकि नल हाइपोथेसिस को उसने क्या बोला कि हमेशा इक्वल वाला साइन लेना है, एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, इसलिए नल हाइपोथेसिस जो होगा म्यू इज इक्वल टू 925 होगा और उसका निगेशन ये वाला होगा, लेस देन ये हो सकता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि एटलीस्ट की बात करा तो अल्टरनेट है ना. हाँ, अल्टरनेट में स्पेसिफिक की बात नहीं करी, नल में स्पेसिफिक बोला वैल्यू चाहिए, तो इसलिए वहां पे इक्वलिटी वाला साइन लिया उसने. ठीक है, दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द मैन्युफैक्चरर कंसर्न्स एंड सेज क्या द रिवेट्स डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन. यस राइट, क्योंकि उसने बोला था एट लीस्ट इतना होना चाहिए. स्टेटमेंट बी बिकम्स द नल हाइपोथेसिस, तो यहां पे लिखेंगे H0:μ इज इक्वल टू 925 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू द मीन इज एट लीस्ट 925. करेक्ट, दिस हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स द निगेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंसर्न्स एंड सेज रिवेट्स डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन. सॉरी, do meet the square required. This hypothesis represents the negation of the aircraft manufacturer concerns and says the rivets do meet the required specifications. Correct? देखो यहां पे एक और चीज important है. हमने null hypothesis में equal to रख लिया, ये इक्वल टू वाला साइन लेके इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला साइन ले लिया, मीन इतना, और यहां पे उसका जस्ट अपोजिट ले लिया हमेशा. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमेशा नल हाइपोथेसिस जो हम क्लेम करना चाहते हैं, जो हम प्रूव करना चाहते हैं, हमें उसको रखना है. तो उसका कंसर्न क्या था कि ये इससे कम ना हो जाए कोई, मीन शेयरिंग स्ट्रेंथ इससे कम होगा तो टूट जाएगा, तो उसका कंसर्न ये था, इसको वो बचा के रखना चाहता है, क्लेम करना चाहता है. मतलब वो यदि वो डिटेक्ट कर पाया कि भाई इससे कम है, तब तो उसको बेनिफिट है कि नहीं जी मुझे रिजेक्ट करना है, ये नहीं चाहिए मुझे. करेक्ट, तो जो भी आपका कंसर्न है या क्लेम है वो क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगा. और दूसरा क्या बोला कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा वो स्पेसिफिक वैल्यू होना चाहिए, तो इसलिए इक्वल टू साइन हमेशा लेते हैं. क्लियर, गुड. नोट अगेन क्या बोला, वी विल राइट द नल हाइपोथेसिस विथ जस्ट द इक्वल साइन, देयर बाई स्टेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू असाइंड व्हेन इक्वल इज पेयर्ड विथ लेस देन और विथ ग्रेटर देन द कंबाइंड सिंबल इज रिटन बिसाइड्स द नल हाइपोथेसिस एज ए रिमाइंडर दैट ऑल थ्री साइंस हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन दीज टू अपोजिंग स्टेटमेंट्स. समझ गए क्या बोल रहे हैं? जब भी हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे यहां पे, वी विल राइट द नल हाइपोथेसिस विथ जस्ट इक्वल साइन, पहली चीज ये बोल करके दैट देयर बाई स्टेटिंग दैट द एग्जैक्ट वैल्यू असाइन तो हो गया. दूसरे बात में क्या बोला, वेन इक्वल साइन इज पेयर्ड, इक्वल साइन के साथ यदि हम लेस देन और विथ ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं, कंबाइंड सिंबल भी रखते हैं, इज रिटन बिसाइड्स मतलब उसके नल हाइपोथेसिस के अलावा, इट इज जस्ट शोइंग एज ए रिमाइंडर राइट दैट ऑल थ्री साइंस, वो तीनों साइंस जो अलजेब्रिक जो यूज होना चाहिए था वो हमने दोनों अपोजिट स्टेटमेंट बनाने में यूज किया. करेक्ट, ये चीज. Before continuing with example, let us look at the three examples demonstrate that formulating the statistical null alternative hypothesis involving the population mean mu. अब दो तीन example 8.13 and 8.14 each demonstrate one tailed alternative hypothesis.
सो राइटिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन टेल्ड सिचुएशन. एक एग्जांपल ले रहे, सपोज इन्वॉल्व, अब यहां पे एक दूसरा एग्जांपल ले रहे क्वेश्चन का. सपोज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इज सुइंग, स्विंग है क्या बोलते हैं, सुइंग, सुइंग ना, ठीक है, द सिटी ऑफ रोचेस्टर फॉर नॉन कंप्लायंस विथ कार्बन मोनोऑक्साइड स्टैंडर्ड्स. ठीक है, स्पेसिफिकली द ईपीए वुड वांट टू शो दैट द मीन लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन डाउनटाउन डाउनटाउन रोचेस्टर्स एयर इज डेंजरसली हाई. ठीक है, हायर देन 4.9 पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. देखो क्वेश्चन है, राइट, आपको ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो क्या करेगा, यही क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेक्ट है, वो आप टिक कर लो. तो बोला है उसका कंसर्न क्या है, देखो पहली चीज, ही वांट्स टू शो ईपीए क्या चाह रही है, स्पेसिफिकली द ईपीए वुड वांट टू शो दैट द मीन लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन डाउनटाउन रोचेस्टर्स एयर इज डेंजरसली हाई. उसका इंटरेस्ट हाई है दिखाना, हायर देन कितना, 4.9 पार्ट पर मिलियन. अब इसके लिए हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्रिएट करना है. ठीक है जी, द टू स्टेट द टू हाइपोथेसिस वी फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन पैरामीटर इन क्वेश्चन. यही था फर्स्ट स्टेप, राइट. द मीन लेवल, वो क्या है क्वेश्चन हमारा, द मीन लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन रोचेस्टर, यही है, कितना है मीन लेवल कार्बन मोनोऑक्साइड का उस शहर में, राइट. द पैरामीटर म्यू इज बीइंग कंपेयर्ड विद द वैल्यू, कितना से, जो म्यू जो आएगा उसका किससे कंपेयर करना है, 4.9 पार्ट्स पर मिलियन से, राइट. द स्पेसिफिक ऑफ इंटरेस्ट, द ईपीए इज क्वेश्चनिंग द वैल्यू ऑफ म्यू एंड विशेस टू शो इट इज हायर देन 4.9, हायर देन 4.9 वो दिखाना चाहता है. वो सैंपल इसीलिए कलेक्ट ही कर रहा है, उसका दिमाग में है कि इस शहर का जो जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जो है 4.9 पार्ट पर मिलियन ppm से ज्यादा है, उसका इंटरेस्ट है उसको, इसका मतलब दैट इज म्यू इज ग्रेटर देन 4.9. तो ये क्या बनेगा, चलो आगे पढ़ते हैं और बाद में हम सोचेंगे ये क्या लिख रहा है, उसके आर्गुमेंट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठे कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्रिएट कैसे करते हैं. द थ्री पॉसिबल रिलेशनशिप है, राइट, जो तीन रिलेशनशिप की हम लोगों ने बात करी थी. हाँ, तो एक बनेगा म्यू इज लेस देन 4.9, दूसरा बनेगा म्यू इज इक्वल टू 4.9 और तीसरा क्या बनेगा, म्यू इज ग्रेटर देन 4.9. ये तीन पॉसिबल रिलेशनशिप बने, राइट. मस्ट बी अरेंज्ड, ये तीनों को ऐसे ढंग से अरेंज करना है, मस्ट बी अरेंज्ड टू फॉर्म टू अपोजिंग स्टेटमेंट्स, दो अपोजिट स्टेटमेंट बनाने में अरेंज करना है तीनों सिंबल को. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट, जब भी आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्रिएट करना है. तो one statement, one states that EPS position, the mean level is higher than 4.9. तो उसको कैसे लिखने, mu is greater than 4.9, इससे आ जाएगा ये बात. And other states क्या हो सकता है, negation, इसका उल्टा करना है, mu is greater than 9 है, 4.9 है, तो इसका उल्टा negation वाला statement चाहिए. तो क्या होगा, the mean value is not higher than 4.9. इसका मतलब म्यू इज लेस देन इक्वल टू 4.9, करेक्ट, दो बन गया, तीनों सिंबल यूज हो गए, राइट. वन ऑफ दीज टू स्टेटमेंट, यही दोनों में से एक स्टेटमेंट जो है विल बिकम नल हाइपोथेसिस H0 एंड अदर विल बिकम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 या HA, राइट, जो भी HA अल्टरनेटिव के लिए यूज करो या H1 यूज करो, आपकी मर्जी है, राइट. रिकॉल दैट देयर आर टू रूल्स फॉर फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस, कौन कौन सा रूल है,
null hypothesis states that the parameter in question has a specific value. null hypothesis का हमेशा क्या होना चाहिए? एक specific value होना चाहिए. तो h0 must contain equal sign. इसलिए null hypothesis में equal sign आना चाहिए. अब आपको समझ में आ रहा है मल्टीपल चॉइस कैसे फ्रेम कर सकते हैं इसमें, राइट? यहीं से गड़बड़ा है. जिसको नहीं पता होगा वो यहाँ पे मार खा जाएगा. ये कॉन्सेप्ट यदि नहीं पता होगा तो, राइट? मस्ट नल हाइपोथेसिस में क्या होना चाहिए? इक्वल साइन होना चाहिए, क्योंकि उसको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए. ये रूल है. दूसरा एंड सेकंड, द ईपीए कंटेंशन, मतलब उसका बिलीव, कंटेंशन बिकम्स द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. मतलब जो उसका कंसर्न है, वो क्लेम, जो क्लेम करना चाहता है, जो प्रूव करना चाहता है, वो बनेगा alternative hypothesis which is higher than. तो ये क्या बनेगा? H zero mu और is equal to 4.9. और देखो bracket में क्या किया इसने, besides उसके sign indicate किया. किस लिए किया indicate? ये show करने के लिए, बताने के लिए कि मैंने तीनों sign का ध्यान रखा है opposite frame करने में. You got it? Right? So mu is equal to 4.9 और bracket में less than equal. और एंड एच जीरो एच ए जो होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, म्यू इज ग्रेटर देन 4.9. सही है? देखा कैसे क्रिएट करते हैं? वेरी नाइस. अब दूसरा और प्रॉब्लम देखते हैं. वेरी नाइस, चलो ठीक है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है? राइटिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर वन टेल्ड सिचुएशंस. अगेन वन टेल वाला ही चल रहा है, एक ग्रेटर देन वाला हो गया. अब दूसरा देखते हैं. An engineer, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? An engineer wants to show that application of paint made with new formula dry and are ready for the next coat in a mean time of less than 30 minutes. वो क्या बोल रहा है? An engineer wants to show कि जो एक application जो उसने paint बनाया है, right? जो पेंट बनाया वो क्या है कि वो नेक्स्ट कोट जब उससे लगाओगे उस पेंट से, तो वो 30 सेकंड में क्या होगा, लेस देन 30 सेकंड्स के अंदर वो सूख जाएगा. हाँ, 30 मिनट्स के अंदर सूख जाएगा, राइट? इट विल ड्राई. अब बोल रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो देखो द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? द मीन ड्राइंग टाइम जो है वो, राइट, पर एप्लीकेशन, एंड 30 मिनट्स इन इज द स्पेसिफाइड वैल्यू. 30 मिनट स्पेसिफाई किया है. और दूसरा बोल, तो म्यू लेस देन 30, कि लेस देन 30 सेकेंड्स में ड्राई हो जाएगा, करेक्ट? क्रॉसपॉन्ड्स टू द मीन टाइम इज लेस देन 30, करेक्ट? वेयर इज म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 विल बी क्रॉस्पॉन्डिंग फॉर इट्स निगेशन. उसका उल्टा हो जाएगा. भाई पहला जो है लेस देन बोला है ना, और वो टेबल जो बताया था हमने कि ये नल हाइपोथेसिस बनेगा तो उसका निगेशन क्या बनेगा, वो रट्टा भी मार लोगे तो आपको लिखना इजी हो जाएगा, करेक्ट? तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, तो उसका निगेशन क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 30 बनेगा, करेक्ट? यस यस. दूसरा जो अपोजिट जो बनेगा, राइट? तो इसका हाइपोथेसिस क्या होगा? पहला क्या चाहिए नल हाइपोथेसिस में, क्या चाहिए? स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए. तो इक्वल वैल्यू वाला जाएगा, तो क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू 30 और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला आ गया नल हाइपोथेसिस. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा? लेस देन 30 जो उसको प्रूव करना था, बन गया आपका हाइपोथेसिस. वन टेल्ड, तो वन टेल्ड में एक लेफ्ट का होता है जो कम वाला होगा, और दूसरा जो है राइट का होता है जो ग्रेटर देन होता है, ठीक है? और थर्ड, राइट नल हाइपोथेसिस, राइटिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विद टू टेल्ड सिचुएशन, दोनों टेल्ड में. तो एक क्वेश्चन कैसे आता है देखते हैं एक बार. जॉब सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्कर प्रोडक्टिविटी. A standard job satisfaction questionnaires was administered by union officers to a sample of assembly line worker in a large plant in hopes of showing that
द असेंबली वर्कर मीन स्कोर ऑन द क्वेश्चनायर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड मीन ऑफ 68। ये दिखना चाहिए, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है ना, बस ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, वो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए ना उसने एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर किया बेसिकली, राइट। और वो बोल रहा है कि उसको क्या चाहिए कि ही वांट्स टू शो दैट, मतलब डेटा जो इकट्ठा कर रहा है उस होप में कर रहा है कि जो असेंबली लाइन वर्कर्स का जो मीन स्कोर जो आएगा वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द एस्टेब्लिश मीन जो है 68 से डिफरेंट आएगा। ये नहीं बोला उसने कम आएगा कि ज्यादा आएगा, क्वेश्चन क्या है डिफरेंट आएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं है कि कम आएगा कि ज्यादा आएगा, डिफरेंट आएगा सिर्फ इतना ही है। तो इस केस में जब एस्पेक्ट यदि आपको वो क्लियरिटी नहीं है कि आप कम आएगा या ज्यादा आएगा, तो उस केस में आप क्या एक्सपेक्ट करो, डिफरेंट आएगा, इससे तो अलग आएगा चाहे कुछ भी आए। इस टाइप का यदि इंटरेस्ट है तो उस केस में आपका क्या है हाइपोथेसिस जो होगा वो टू टेल्ड वाला यूज करेंगे, करेक्ट। सो बोल रहा है स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आइदर द मीन जॉब सेटिस्फेक्शन स्कोर इज डिफरेंट फ्रॉम 68, सो क्या होना चाहिए, म्यू इज नॉट इक्वल टू 68, एक ही चीज है इसका, और मीन इज इक्वल टू 68, दो ही कंडीशन है। तो स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए मुझे, म्यू इज इक्वल टू 68 जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू है, तो इसलिए नल हाइपोथेसिस में जाएगा, और नॉट इक्वल टू कहाँ जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जाएगा। और ऑलरेडी अल्टरनेट हाइपोथेसिस के क्राइटेरिया के हिसाब से क्या चीजें हैं कि जो हम क्लेम करना चाहते हैं वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जाना चाहिए, करेक्ट। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या चला जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 68, क्योंकि यही हम क्लेम करना चाह रहे थे कि भाई कुछ भी हो स्टैंडर्ड स्कोर के बराबर तो नहीं आएगा, करेक्ट, राइट। सो राइट नोट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज रेफर्ड टू एज बीइंग टू टेल्ड व्हेन एच जीरो इज नॉट इक्वल, जब भी एच जीरो इक्वल नहीं होगा, इफ सॉरी एच एच ए इज नॉट इक्वल, जब भी आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि एच मतलब हाइपोथेसिस में है कि नॉट इक्वल है, तो उस केस में हमें क्या करना है, टू टेल्ड लेना है। व्हेन लेस देन इज कंबाइंड विथ ग्रेटर देन दे बिकम्स नॉट इक्वल टू, दूसरा क्या, व्हेन लेस देन इज कंबाइंड विथ ग्रेटर देन दे बिकम नॉट इक्वल टू, दोनों चीज आ गया ना, वो तीनों सिंबल यूज हो गए, वो क्लियर किया यहां पे आकर के कि देखो जी तीन सिंबल आपको यूज करना था, हमने तीनों यूज करके दिखा दिया। तो नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तीनों यूज हो गए, वेरी नाइस। द व्यू पॉइंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रेटली अफेक्ट्स द वे द हाइपोथेसिस आर फॉर्म्ड, मतलब जो भी रिसर्च जो भी कर रहा है उसका व्यू पॉइंट कैसा है उसके बेसिस पे कैसे हाइपोथेसिस फ्रेम होगा वो डिपेंड करेगा। जनरली द एक्सपेरिमेंटर इज ट्राइंग टू शो दैट द पैरामीटर वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू स्पेसिफाइड, दस द एक्सपेरिमेंटर इज ऑफन होपिंग टू बी एबल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस सो दैट द एक्सपेरिमेंटल थ्योरी कैन बी सबस्टेंशिएटेड, मतलब नेचुरली वो चाहता है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेट हाइपोथेसिस तो प्रूफ करना ही चाहता था, राइट। एग्जाम्पल ये दे दिया ना, वही रिप्रेजेंट्स फॉर दिस इक्वल रिलेशनशिप फॉर स्पेसिफाइड वैल्यूज, ठीक है, बाकी तो ये आपको पता है ही कि टेबल 6 लिस्ट एडिशनल कॉमन फ्रेजेस यूज्ड इन क्लेम्स एंड इंडिकेट देयर निगेशंस एंड द हाइपोथेसिस इन विच ईच फ्रेज विल बी यूज्ड, अगेन नोटिस दैट इक्वल्स इज ऑलवेज इन नल हाइपोथेसिस, ऑल्सो नोटिस दैट द निगेशन ऑफ लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या
ऑल्सो नोटिस दैट द निगेशन ऑफ लेस देन इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, दोनों ही है. थिंक ऑफ निगेशन ऑल ऑफ द अदर फ्रॉम द सेट ऑफ थ्री साइंस. अब देखो ये टर्म जो है ये इसका निगेशन सही है, इसका निगेशन सही. ये टेबल अच्छे से पढ़ के समझ के याद रखना, राइट. आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस फ्रेम करने में काफी मदद करने वाला है. और यदि आपने इसका प्रैक्टिस किया है नहीं तो कई एमसीक्यूज में भी यदि वो ये टेस्ट करना चाहता है एग्जामिनर कि आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो आपको लिखने आता है या नहीं आता सही, तो वहां पे ये काम आ जाएगा एमसीक्यूज में आपको टिक करने के. नहीं वहां पे आप स्कोर कर जाओगे यदि एग्जामिनर कोई भी होगा पूछेगा तो. ठीक है चले आगे. After the null and alternate hypothesis are established, we will work under the assumptions that the null hypothesis is a true statement until there is a sufficient evidence to reject it. हम तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि मेरे पास sufficient evidence नहीं मिलेगा कि मैं null hypothesis को reject कर दूं. Correct? This situation might be compared with a courtroom trial. Right? Where the accused is assumed to be innocent, H0, defendant is innocent versus H alpha, defendant is not innocent. Until sufficient evidence has been presented to show that innocence is totally unbelievable. राइट वो तब तक उसको इनोसेंट मानता है कोर्ट, कोई भी आदमी क्राइम करके आए, जब तक कि उसके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं आ जाए कि उसका इनोसेंट को बिलीव, उसके इनोसेंट को बिलीव ना किया जाए. हाँ करेक्ट. सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एट द कंक्लूजन ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्ट वी विल मेक वन ऑफ द टू पॉसिबल डिसीजंस. राइट वी विल डिसाइड इन अपोजिशन टू द नल हाइपोथेसिस and say that we reject H0. This corresponds to convictions of the accused in a trial, or we decide in agreement with the null hypothesis and say we fail to reject H0. या तो हम agree कर जाएं, तो हम लिखेंगे कि we fail to reject H0. मतलब हमारे पास अभी sufficient evidence नहीं है, या हम sufficient evidence है, तो हम उसको reject कर देंगे. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. वी फेल टू रिजेक्ट, हमारे पास एविडेंस ही इतना नहीं मिला कि हम उसको रिजेक्ट कर पाए नल हाइपोथेसिस. हो सकता है कि वो सही हो, नल हाइपोथेसिस ट्रू हो, नहीं लेकिन रिजेक्ट नहीं कर पाए, या रिजेक्ट करने लायक था लेकिन हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, नहीं रिजेक्ट कर पाए. करेक्ट. दिस कोरेस्पोंड्स टू फेल टू कन्विक्ट और इक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड इन अ ट्रायल. Let us return to the rivet example. We interrupt वो page number discontinued है. Right, ठीक है. तो यहाँ पे H0 जो था वो mu is equal to कितना था? 925 और ये जो है H alpha जो है वो less than 925 है, which is less than 925 pounds. Very nice. अब second step क्या था? कि हाइपोथेसिस टेस्ट क्राइटेरिया देखने. तो दूसरा जो था चेक द अजम्पशंस. अस्यूम दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स इज नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड विच इज इक्वल टू बी सिग्मा इज इक्वल टू 18. मतलब हमें पता है पास्ट एक्सपीरियंस है कि रेफर इतना आता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन. हाँ वेरिएबल्स लाइक शियरिंग स्ट्रेंथ टिपिकली हैज ए mounded distribution. Therefore, a simple example of 50 should be large enough for the confidence interval CLT test जो भी है, ठीक है, to apply and ensure that SDMS will be normally distributed. ठीक है, मतलब basically बोल रहा है ये चीज कि यदि 50 का यदि sample size हो तो हमारे लिए आगे टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम ये मान सकते हैं कि डेटा जो है हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना समझना जरूरी है अभी हमारे लिए. करेक्ट.
समझ गया। तो एक क्या हो गया कि हमें एजम्पशंस में से पता चल गया कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना होगा और डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ बी पॉइंट क्या, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। क्यों? बिकॉज एक्स बार जो मीन जो आएगा इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंडीशन से ले लिया हमने। फॉर हाइपोथेसिस टेस्ट ऑफ म्यू वी वॉन्ट टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ सैंपल मीन विथ द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन एज स्टेटेड इन द नल हाइपोथेसिस। तो हमें क्या कंपेयर करना है, सैंपल मीन को, जो सैंपल से जो मीन निकल के आया है उसको किससे कंपेयर करना है, पॉपुलेशन मीन से। जो हम पॉपुलेशन मीन कितना 925 वाला लिखा है ना, वहां म्यू म्यू इज इक्वल टू 925 को कंपेयर करना है ना मुझे, कि म्यू जो है वो 925 जो है वो सैंपल मीन है उसके बराबर है, उसको कंपेयर करना है। दिस कंपेरिजन इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करना है, हमें जेड टेस्ट यूज करना है। तो जेड टेस्ट जो होता है वो होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो देखो ये एक्स बार जो है वो राइट जो मीन आएगा और यहाँ पे म्यू और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ये मान लिया और सैंपल साइज हमने 50 के आसपास मान लिया है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, द रिजल्टिंग कैलकुलेटेड वैल्यू इज आइडेंटिफाइड एज ए जेड स्टार बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड द एजम्पशन हैज बीन सैटिस्फाइड। क्या बोल रहे हैं, द रिजल्टिंग कैलकुलेटेड वैल्यू जो है जो आएगा यहां से कैलकुलेट करके उसको हमने क्या किया, जेड स्टार से उसको ये कर दिया, राइट, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि इट विल बिहेव एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। यदि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो गया तो जेड स्टार का जो वैल्यू जो आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए ही कोई ना कोई वैल्यू आएगा। एंड द एजम्पशन हैज बीन सैटिस्फाइड, क्योंकि जेड 50 सैंपल्स था, हमें सिग्मा जो था वो पता था और हम लोग ऑलरेडी मान चुके थे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो एजम्पशन सैटिस्फाइड है हमारा। अब हम इसको स्टार रिमाइंड अस दैट दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, अब देखते हैं, समझ गए। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, सी डिटरमिन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अब हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा डिटरमिन करना है, करेक्ट। तो उसको कैसे करेंगे, सेटिंग अल्फा वाज डिस्क्राइब्ड एज ए मैनेजेरियल डिसीजन, राइट, कि जो जो रिसर्च कर रहा है वो अल्फा का वैल्यू सेट करेगा क्योंकि रिस्क उसी को एक्सेप्ट करना है, कितना रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। टू सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग अल्फा द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप वन एरर फॉर आवर रिवेट एग्जांपल वी स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द फोर पॉसिबल आउटकम्स देयर मीनिंग्स एंड द एक्शन रिलेटेड टू ईच। मतलब बेसिकली वो क्या है कि ये चार पॉसिबल चीजें आउटकम आएंगे तो वो चारों पॉसिबल आउटकम का मीनिंग क्या है, राइट, और उससे यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या एक्शन को लीड करेगा वो समझना जरूरी है। यदि ये बात समझ में आ गए तो हम अल्फा जो होगा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड है 0.05 का या 0.1 का, राइट, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि वाई 0.05 या 0.01। करेक्ट, चले आगे, फाइन। नाउ द टाइप वन एरर जो है बोल रहे हैं अकर्स व्हेन ए
true null hypothesis is rejected. Right? This would occur when the manufacturer tested rivets that did meet the specification and rejected them out. स्पेसिफिकेशन उसका मीट कर गया और वो उसको क्या करेगा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगा. अनडाउटेडली दिस वुड लीड टू द रिवेट्स नॉट बीइंग परचेज्ड. तो कोई नहीं परचेज करेगा यदि वो रिजेक्ट हो जाएगा तो नल हाइपोथेसिस, इवन दो दे डू मीट द स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन तो मीट कर रहा है लेकिन कोई परचेज नहीं करने वाला उसको. In order for the manager to set a level of significance, related information is needed. Kya? Namely, how soon is the new supply of rivets is needed? मुझे रिवेट की सप्लाई जो है वो कितने दिन के बाद चाहिए. Right? If they are needed tomorrow, and this is the only vendor with an available supply, waiting for a week to find acceptable rivets could be very expensive. Right? Therefore, rejecting good rivets could be considered a serious error. यदि कोई अच्छा भी रिवेट है और उसको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हम नहीं रख रहे हैं, तो एक सीरियस एरर हो जाएगा क्योंकि हमें इतना दिन वेट करना पड़ेगा एयरलाइन रिसेंबल करने के लिए, उसमें बहुत पैसे का खर्च है. करेक्ट. On the other hand, if the rivets are not needed until next month, एक महीने तक उसके मुझे जरूरत नहीं है, then this error may not be very serious. Only the manager will know all the ramification, and therefore the manager's input is important here. इसीलिए तुम कोई भी नया ड्रग का भी जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो अल्फा का वैल्यू वो आप ही समझते हो कि ये कितना जरूरी है इसको रिप्लेस करना, कितना अर्जेंसी है मुझे इस टाइप के रिसर्च के आउटकम की. समझ गया? जैसे ये मैन्युफैक्चरर के केस में यहाँ पे दिखाया, ये अर्जेंसी समझना और अल्फा का वैल्यू सेट करना, ये जब आपको एग्जांपल समझ में आएगा तो आप अपने भी केस के बारे में या अपने थेसिस या अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हो कि मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए. यस, रिस्क वही. नेचुरली तो क्या दिक्कत है. आफ्टर आफ्टर मच कंसिडरेशन द मैनेजर असाइंस द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05. मतलब वो 5% रिस्क लेने के लिए तैयार है. दिस इज जस्ट 5% रिस्क. और ये स्टैंडर्ड भी है, कभी 5% रिस्क लेता है ना तो कोई 1% रिस्क लेता है. ठीक है. अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कलेक्ट द सैंपल. देखो यहां तक अभी तक कोई स्टडी शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ हमने सेट किया सारी चीजें, क्यों सेट करी उसके बारे में देखा, सारी चीज समझे. राइट. अब आ जाओ, कलेक्ट द सैंपल इंफॉर्मेशन. द सैंपल मस्ट बी रैंडम सैंपल होना चाहिए, बोला, फ्रॉम पॉपुलेशन हुज मीन इज बीइंग क्वेश्चन्ड. जो कल तुम पढ़ रहे थे कि वो रैंडम वाला भी सही है सर, वो क्यों नहीं आ रहा. ए और बी दोनों सही था क्या, ए और सी जो भी था तुम्हारा ऑप्शन. अब समझ में आया, ये बोल रहे हैं द सैंपल मस्ट बी रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन हुज मीन इज बीइंग क्वेश्चन्ड. राइट. क्योंकि वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए और वो रैंडम सैंपलिंग से ही आएगा उसका रिप्रेजेंटेटिव. ए रैंडम सैंपल ऑफ 50 रिवेट्स इज सेलेक्टेड, ईच रिवेट इज टेस्टेड एंड द सैंपल मीन शियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेटेड इज मीन बार कितना है, 921.18 एंड n इज इक्वल टू 50. अब ये दो वैल्यू मुझे सैंपल से मिला. करेक्ट. उसका मीन निकाल लिया तो मीन वैल्यू इतना था और n का वैल्यू इतना था. करेक्ट. एक सैंपल का मीन तो ना 50 सैंपल है, एक ही मैन्युफैक्चरर से 50 रिवेट लिए उठाए ना आपने, और उस 50 रिवेट्स का जो है मीन शेयरिंग स्ट्रेंथ चेक किया, उसका मीन वैल्यू जो है वो 921.8 है. करेक्ट. और हमें पॉपुलेशन मीन चाहिए 925 का. समझ गए, वो पॉपुलेशन मीन है और ये है, ये सैंपल मीन है. करेक्ट. अब क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. अब क्या करना है, द सैंपल एविडेंस,
यही सैंपल का इविडेंस है क्या, x बार एंड n फाउंड इन स्टेप 3.1। तो सैंपल से हमें दो ही चीज का इविडेंस है, एक तो मीन है और दूसरा जो है सैंपल साइज है, राइट। तो उसको ले लिया, इज कन्वर्टेड इन टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जेड स्टार बाई यूजिंग द फॉर्मूला, ये x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ n। तो x बार का वैल्यू कितना है 921.8 और ये म्यू का वैल्यू 925 है, सिग्मा 18 था और n इतना था। तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना वैल्यू आया, माइनस 1.50। अब तो जेड स्टार कैलकुलेट हो गया, अब ना चौथा स्टेप क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पी वैल्यू अब कैलकुलेट करना है, करेक्ट। सो पी वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग। स्टेप फोर, कैलकुलेट द पी वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब पी वैल्यू क्या बोलता है, देखो इट सेज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू और पी वैल्यू, द प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कुड बी द वैल्यू इट इज और मोर एक्सट्रीम, मतलब वही वैल्यू आएगा या उससे ज्यादा आएगा, मोर एक्सट्रीम, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूव करने की तरफ, उधर की तरफ जाएगा पी वैल्यू। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो जो पी वैल्यू जो आ रहा है हमारा, वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू है, जो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब हमेशा हमने उसको नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में आ रहा है, वो उसमें हम लोग पढ़े थे ना, राइट, समझ गए। तो मतलब जो भी पी वैल्यू आएगा वो किसको फेवर करने के लिए आएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, करेक्ट। नाउ उसके लिए सिंबल जो है पी विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द पी वैल्यू स्पेशली इन अल्जेब्रिक सिचुएशन, ये दे दिया। अब क्या करना है तुमको, अब ये डायग्राम बनाना है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी है। अब क्या बोला, ड्रॉ ए स्केच ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेट जेड स्टार फाउंड इन स्टेप 3.1। तो सबसे पहला काम अब आपको क्या करना है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाना है आपको, राइट, और जेड स्टार का जो वैल्यू जो आया था उसको लोकेट करना है। तो ये देखो, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में हमेशा मीन जो होता है वो जीरो होता है, और इधर की तरफ चलोगे तो प्लस इंक्रीज होएगा, जेड का वैल्यू इंक्रीज होएगा, और लेफ्ट की तरफ चलोगे तो माइनस का वैल्यू आता जाएगा, करेक्ट, फाइन, नो डाउट, क्लियर। तो देखो, टू आइडेंटिफाई द एरिया रिप्रेजेंट्स द पी वैल्यू, लुक एट द साइन इन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। देखो पहले, सबसे पहले मान लो हमने लोकेट कर दिया जेड स्टार का वैल्यू यहां पे है, राइट, ये वाला जो लाइन जो खींचा वो है। अब दूसरा क्या बोला, टू आइडेंटिफाई द एरिया, राइट, दैट रिप्रेजेंट्स द पी वैल्यू। अब देखो, पी वैल्यू ये एरिया को रिप्रेजेंट, इधर वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा कि इधर वाला करेगा, ये भी तो समझना जरूरी है। तो दोनों तो एरिया ही है ना, इधर का भी, नहीं तो आप इधर की तरफ गोला लगा दो, सेट कर दो। तो ये इधर का करना है कि इधर का करना है, कौन सा एरिया करना है, तो उसके बारे में बता रहा है, टू आइडेंटिफाई द एरिया दैट रिप्रेजेंट्स द पी वैल्यू, लुक एट द साइन ऑफ साइन, लुक एट द साइन इन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या देखना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में साइन चेक करना है, राइट। फॉर दिस टेस्ट The alternative hypothesis indicates that we are interested in the part of sampling distribution that is less than Z star. Less, less than, correct? Therefore, the p value is the area lies left to the Z star. इसलिए Z star के left की तरफ जाएंगे, और जो एरिया होगा वो पी वैल्यू का एरिया होगा। तो ऐसे करके आपको स्केच करना है, और ये स्केच करने आना चाहिए। अगेन यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, कंडीशन दे देगा और बोलेगा कि कौन सा सही है, ये हाइपोथेसिस है आपका, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है, और ये जो है आपका नल हाइपोथेसिस है,
तो जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व जो होगा वो कौन सा एरिया करेक्टली शेडेड है, पी वैल्यू कौन सा होगा, कौन सा एरिया जो होगा वो पी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी चीजें, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है, वहीं पे तो मारे जाते हैं, एक एक दो नंबर कंपटीशन में बहुत बड़ी चीज होती है डियर। ये तो समझ में आ गया आपको, क्लियर, वेरी नाइस। टू फाइंड द पी वैल्यू, अब क्या करना है हमें, पी वैल्यू पता करना है। टू फाइंड द पी वैल्यू यू मे यूज एनी वन ऑफ द थ्री मेथड्स आउटलाइन हियर। तीन तरीके हैं पी वैल्यू पता करने के लिए, राइट। द मेथड यू यूज इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, बिकॉज ईच मेथड इज जस्ट द टूल ऑफ चॉइस टू हेल्प यू फाइंड द पी वैल्यू। उसमें से आप कोई भी पी वैल्यू, आपको सिर्फ तरीका है, तीन तरीके हैं पी वैल्यू पता करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। सो लेट सी द मेथड वन। मेथड वन सेज यूज द टेबल थ्री इन अपेंडिक्स बी टू डिटरमिन द टेबल्ड एरिया रिलेटेड टू द लेफ्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू -1.50। तो ये बोल रहा है कि एक टेबल दिया हुआ है थ्री में, अपेंडिक्स बी में कोई टेबल दिया हुआ, शायद हमने टेबल आगे के स्लाइड में लगाया है, वहां क्लियर हो जाएगा, राइट। और वहां से आपको पता करना है कि जो भी जेड का वैल्यू, पी वैल्यू कितना है, तो वहां से वो देख करके निकाल रहा है कि पी वैल्यू जो है वो लेस देन टेबल टेबल्ड एरिया रिलेटेड टू लेफ्ट ऑफ जेड, राइट, की तरफ वो वैल्यू आ रहा है कितना, 0.068। दूसरा बोला मेथड कि यूज टेबल फाइव, टेबल फाइव यूज कर लो इन अपेंडिक्स बी, एंड द सिमेट्री प्रॉपर्टी को यूज करना है। टेबल फाइव इज सेटअप टू अलाउ यू टू रीड पी वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल। ओके, टेबल डायरेक्टली टेबल से आप पी वैल्यू यूज कर सकते हैं टेबल फाइव से। सिंस पी वैल्यू, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन -1.50 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पी जेड ऑफ ग्रेटर देन 0.1.50। ये लेस है ना, लेस देन, इससे कम, माइनस से कम, इज इक्वल टू इनवर्स कर दे जेड ग्रेटर देन, हाँ, सिंपली लोकेट जेड स्टार, क्योंकि सिमेट्री है ना दोनों में, यहां पे सिमेट्री प्रॉपर्टी यूज करा है। टेबल फाइव एंड रीड द वैल्यू ऑफ पी वैल्यू, वहां पर भी रीड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0.0668 आएगा। तीसरा तरीका क्या है कि आप क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लो ऑन कंप्यूटर और कैलकुलेटर, और तब आप पी वैल्यू पता कर लो। तो पी वैल्यू लेस देन -1.05 का अगेन वैल्यू जो है क्या आएगा, 0.068 आया। अब दूसरा काम क्या है, डिटरमिन वेदर और नॉट द पी वैल्यू इज स्मॉलर देन अल्फा। अब अल्फा से कंपेयर करना है, सो पी वैल्यू कितना आया है, 0.0668 is smaller than 0.05, correct? Is not smaller than, वही तो मैं बोल रहा हूँ कैसे smaller है, क्योंकि ये तो 0.5 है और ये 0.6 है, it is not smaller than 0.05, correct? So आगे देखो, ये आपका probability distribution table है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। देखो ये टेबल थ्री था जो उसने टेबल थ्री की बात करी थी, राइट, वो लेफ्ट वाला इस एरिया के लिए वो पता करना था, करेक्ट। एक तो टेबल ये है, हम टेबल देखना भी नहीं सीखेंगे, राइट। ये दूसरा वाला जो था अगेन टेबल थ्री का ही पार्ट था, टेबल फोर है और टेबल फाइव है, टेबल फोर का बी है, एक है ये टेबल फाइव है। टेबल फाइव में वो दिखा रहा है, देखो जेड स्टार का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है, करेक्ट। तो हमें क्या देखना था, जो भी पी वैल्यू देखना है, यदि जेड स्टार इसका देखना है, आप देखो यहाँ पे, यदि मान लो कि 2.23 का था, उसका कितना था, इसका तो देखो यहाँ पे ये आया वैल्यू तो उठा लिया, उसका कितना था, 1.05,
0.15 तो ये बना ना, तो 0.15 ये बनेगा, 0. उसका पी वैल्यू 0.44 के आसपास आ रहा है ना, 0.15 जो भी था मतलब, ठीक है, इस टेबल से लेकर के पढ़ना है और वहां से उसने बताया 0.006 जो भी था, वो कुछ ऐसा ही आया था ना, समथिंग इधर की तरफ आएगा, कुछ सिमेट्री करके वो यूज करा था ना उसने, ग्रेटर देन देन, ठीक है, वो देखना देख लेंगे बाद में, मतलब बेसिकली मेन जो है वो ये था, इंट्रीज इन द रिलेटेड राइट हैंड टेल्स का है तो राइट हैंड टेल का देख लिया, इसके बराबर था, ग्रेटर देन दिस, ठीक है, वो देखना सीख लेंगे बाद में, राइट. तो स्टेप फाइव मान लो कि हमें देखना आता है यदि, तो वो वैल्यूज दिया हुआ है. अब जैसे मान लो कि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहां पे उसको जेड का वैल्यू देना पड़ेगा या स्टार का वैल्यू दिया हुआ होगा, नहीं तो उस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैलकुलेट करने वाला आपको देगा नहीं, स्पेशली एमसीक्यू में. एमसीक्यू में तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होएगा कि जहां पे उन चीजों को उसको यूज ना करना पड़े, या यूज करना है यदि कोई हाथ से कैलकुलेट करना है तो वो वैल्यू समय पर दिया होगा. राइट. तो लास्ट फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप है कि स्टेट द डिसीजन अबाउट एच अल्फा. तो क्या बोला, एच जीरो इज द पी वैल्यू स्मॉल इनफ टू इंडिकेट दैट सिंपल एविडेंस इज हाईली अनलाइकली इन द इवेंट दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू. इन ऑर्डर टू मेक द डिसीजन वी नीड टू नो द डिसीजन रूल. ये वही है, वो तो ऑलरेडी सेम है कि इफ पी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू द अल्फा तो रिजेक्ट करना है, और यदि इफ इट इज ग्रेटर देन अल्फा तो उस केस में वी फेल टू रिजेक्ट. तो डिसीजन अबाउट एच जीरो इज फेल टू रिजेक्ट एच जीरो, क्योंकि वो उसका वैल्यू पी वैल्यू अल्फा से ज्यादा था, 0.05 अल्फा था और पी वैल्यू जो आया था 0.0668 आया था. नाउ लास्ट, उसके बाद बी, अब कंक्लूजन लिखना है, स्टेट द कंक्लूजन अबाउट एच जीरो. देर इज नॉट सफिशियंट इविडेंस एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू शो दैट द मीन शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट्स इज लेस देन 925. तो ऐसे लिखेंगे, वी फेल टू कन्विक्ट द नल हाइपोथेसिस. इन अदर वर्ड्स, ए सैंपल मीन एज स्मॉल एज 921.18 is likely to occur as defined by alpha when the true population mean is 925 and x is normally distributed. The resulting action by the manager would be to buy the rebates. ठीक है, when the decision reached is failed to reject, it simply means for lack of better information act as if null hypothesis is true. तो accept, ऐसा नहीं है कि उसमें h alpha accept करना है h zero, ऐसा नहीं लिखना है, उसमें लिखना है कि as if मान के चलना है, क्योंकि fail to reject है. तो Better for the lack of better information, हमारे पास और information नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा क्या मान के act as if null hypothesis is true. लिखना ऐसे है. Before looking at the another example, let us look at the procedure for finding the p-value. The p-value is represented by the area under the curve of probability distribution for the t statistics. And that is more extreme than the calculated value of test statistics. There are three separate cases and the directions of the alternative hypothesis is the key. Table 8.7 outlines the procedure for all three cases. Finding the p-value using the cumulative distribution. ठीक है, अब देखो ये टेबल है और ये p-value है. करेक्ट. यहां पे क्या है कि एच जीरो राइट वाला केस है, एक पहला पी वैल्यू पी जेड इज ग्रेटर देन जेड स्टार है,
देन जेड स्टार है, राइट। जेड पॉपुलेशन मीन जो है, और जो जेड एक स्टैटिस्टिक से आया है ना वैल्यू, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जेड इज ग्रेटर देन द जेड स्टार, मतलब राइट टेल्ड वाले में यूज करना है, इतना बस याद रखना है यहाँ पे। राइट टेल्ड वाले में जेड स्टार का वैल्यू लोकेट करना है और इसके राइट साइड की तरफ जाना है। बोला था ना कि क्या देखना है हमें, कैसे लोकेट करना है एरिया, दो एरिया बन रहा था ना, एक समझाया था। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर वाला साइन है, तो किधर की तरफ जाना है, इधर से जेड स्टार से इधर की तरफ, तो ये एरिया सेड करेंगे। अब समझ में आया बात, ये लोकेट करना और ये बनाने आना चाहिए। और इस केस में देखो लेफ्ट वाला में क्या होगा, ये लेस है, तो ये जेड स्टार लोकेट कर दिया और लेफ्ट वाला की तरफ कर लिया। और यहां पे देखो क्या होगा, जब कंटिन्यूअस यदि टू टेल्ड होगा तो उस केस में क्या करेंगे, टू टेल्ड में जेड स्क्वायर मे बी इन द आइदर टेल, एंड सिंस बोथ एरियाज आर इक्वल, दोनों ही साइड में इक्वल होगा, तो दोनों की हाफ प्रोबेबिलिटी लेंगे, जो अल्फा का जो भी वैल्यू था उसका आधा, तो अल्फा 0.05 था, तो ये दो से डिवाइड कर देंगे, जेड अल्फा बाई टू ये इधर होगा, आधा ही एरिया लेंगे, यहां पूरा ले रहे थे, यहां आधा लेना पड़ेगा मुझे। अब समझ गए, आधा इधर और आधा इधर लेना पड़ेगा, अल्फा पे ही तो ये डिसाइड हो रहा है, ये तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हाँ तो यही से तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से तो कंपेयर होगा, वो तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से तुम क्रिटिकल वैल्यू लेकर के आ रहे हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी वैल्यू में आके मैप करना है ना, तो जब भी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कैसे डिसाइड होगा, अल्फा से ही तो कंपेयर हो रहा है, तो ये भी रीजन जो भी बनेगा प्रोबेबिलिटी का एरिया ही तो बनेगा दोनों तरफ, कि इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जेड जो जेड का वैल्यू यदि इसके अंदर आएगा तब हम एक डिसीजन लेंगे, और इसके बाहर आएगा तो अलग लेंगे। तो टू टेल्ड में भी तो वो एरिया तो मुझे मार्क करना पड़ेगा ना, कि इसके अंदर आएगा क्या, इस एरिया के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कितना एरिया मार्क करेंगे, इसको हाफ ही मार्क करेंगे। ये देखो वही लिखा है पी वन बाई टू ऑफ द पी वैल्यू, आधा इधर पड़ेगा और आधा इधर पड़ेगा, समझ गए, ये बात वो बोल रहे हैं कि जेड एरिया मे बी आइदर टेल, एंड सिंस बोथ एरियाज आर इक्वल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल एंड डबल इट, जो भी एक टेल की प्रोबेबिलिटी जो भी हो गया उसको दो से मल्टीप्लाई करके बताना है, क्योंकि एक तरफ से भी पता चल गया तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक दूसरा टू टेल एग्जाम्पल का है, केस है, राइट, इसको देख ले एक बार, पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। फॉर ईयर्स मेनी लार्ज कंपनीज इन ए सर्टेन सिटी हैव यूज्ड किले एम्प्लॉयमेंट एजेंसी फॉर टेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लाइज, द एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन टेस्ट यूज्ड हैज हिस्टोरिकली रिजल्टेड इन स्कोर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट मीन ऑफ 82 एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8, करेक्ट। उसने क्या किया, जो टेस्ट क्राइटेरिया जो भी उसने सिलेक्शन क्राइटेरिया जो बनाया वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक बात तो ये बोला, और दूसरा क्या बोला कि मीन जो है उसका 82 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, करेक्ट। तो एक कंपनी है ये किले एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, दूसरी कंपनी द ब्राउन एजेंसी जो है वो हैज डेवलप्ड ए न्यू टेस्ट दैट इज क्विकर एंड इजियर टू एडमिनिस्टर एंड देयरफॉर लेस एक्सपेंसिव है। Brown claims that its test results are the same as those obtained for Kille test. मतलब दोनों का test result जो है वो same है, लेकिन इसका test जो है quicker है Brown वाले का, correct? Many of the companies are considering a change from the Kille agency to the Brown agency to cut the costs. However, they are unwilling to make the change if the Brown test results have a different mean value, उनका डाउट है, राइट, इसलिए वो लोग चेंज करने से डरते हैं, करेक्ट। एन इंडिपेंडेंट टेस्टिंग फॉर्म जो आया टेस्टेड
36 prospective implies with the Brown test and a sample mean of 79 resulted, right? तो ब्राउन वाले को टेस्ट किया तो उसका मीन कितना आया, 79 आया, और इसका कितना था, किले का 82 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 था, राइट? अब बोल रहा है कि डिटरमिन द पी वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस हाइपोथेसिस, अस्यूम अल्फा इज सिग्मा इज इक्वल टू 8। इस केस में भी सिग्मा को बोला स्टैंडर्ड डेविएशन, आप 8 ही मान लो, करेक्ट? तो यहां पर भी उसको भी बनाने का तरीका वैसा ही है, राइट? क्या कि सबसे पहला काम डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो पॉपुलेशन मीन जो है वो म्यू है, और मीन ऑफ ऑल टेस्ट स्कोर यूजिंग ब्राउन टेस्ट एजेंसी, उसी को टेस्ट करना है हमें, क्योंकि उसी से कंपेयर करना है ना, उसके वैल्यू को किले से कंपेयर करना है, जो 79 को 82 से कंपेयर करना है, राइट? स्टेट उसके बाद बोला नल हाइपोथेसिस लगाइए और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो क्या बनेगा, ब्राउन एजेंसी टेस्ट रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट, कंसर्न यही उन लोगों का कंसर्न है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका रिजल्ट अलग डिफरेंट आए किले से। इफ द मीन स्कोर इज नॉट इक्वल टू 82, करेक्ट, यही बात है, दे विल बी द सेम इफ मीन इज इक्वल टू 82, यदि मीन 82 के बराबर आएगा तो दोनों टेस्ट सेम हो जाएगा। देयरफॉर अब क्या बनेगा, नल हाइपोथेसिस हमें स्पेसिफिक चाहिए, राइट? तो सेम मीन, तो म्यू इज इक्वल टू 82, और दूसरा नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट क्या हो जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 82। और नॉट इक्वल टू में उसने बताया कि इक्वल टू एंड ग्रेटर देन दोनों आता है, इसलिए नॉट इक्वल टू आ गया, तो तीनों सिंबल यूज हो गए, वेरी नाइस। अब क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्ट क्राइटेरिया दिखाना है, चेक द एजम्पशन, एजम्पशन में क्या, अल्फा इज सिग्मा इज नोन, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, वेरी नाइस। इफ द ब्राउन टेस्ट स्कोर्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द सेम एज द किले एजेंसी स्कोर, दे विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि किले वाला का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था और दोनों का वैल्यू भी सिग्मा दे दिया उतना ही, राइट? एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉर्मल फॉर ऑल सैंपल साइजेस, करेक्ट? तो एजम्पशंस ठीक है। अब क्या, आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड, तो उसके इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो यूज होगा वो जेड स्टार होगा, जेड स्टार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, जहाँ पे सिग्मा का वैल्यू जो है वो 8 है। अब क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज ओमिटेड बिकॉज द क्वेश्चन आस्क फॉर पी वैल्यू नॉट ए डिसीजन, यहाँ पे बोला सिर्फ पी वैल्यू पूछा है, इस क्वेश्चन में हमें डिसीजन नहीं पूछा है, राइट? तो ये बात खत्म हो गई, राइट? अब सैंपल एविडेंस देखना है, कलेक्ट द सैंपल डेटा, तो एन इज इक्वल टू 36 सैंपल लिया था और उसका मीन कितना आया था, 79 आया था, राइट? अब कैलकुलेट कर लेंगे स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू, म्यू इज 82 फ्रॉम H0, सिग्मा इज इक्वल टू 8, इज ए नोन क्वांटिटी, वी हैव एक्स जेड स्टार, एक्स बार 79 है और म्यू का जो पॉपुलेशन इंडेक्स जो 82 जिससे कंपेयर करना था वो 82 आ गया, 79 - 82 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36, जो एन जो है वो सैंपल साइज था 36, वो डाल दिया तो वैल्यू आ गया -2.25। प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी से जाकर के वो जेड स्टार का वैल्यू जो है वो यहाँ से रीड करता है, बिकॉज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इंक्लूड ए टू टेल टेस्ट, दो टेस्ट टू साइड वाला ले रहा है, करेक्ट? वी मस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विथ बोथ टेल्स, राइट? द पी वैल्यू इज फाउंड बाई डबलिंग द एरिया ऑफ वन टेल्ड, टेबल 8.5 इतना पेज नंबर दे, ठीक है छोड़ दो। तो जेड एस आर का वैल्यू ये था, वो टेबल से जो मिल गया, वो पी जेड का जो भी एरिया जो मिला था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका वैल्यू आ गया, करेक्ट? तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, समझ में आ गया, फाइन। अब क्या, डिटरमिन वेदर और नॉट द पी वैल्यू इज स्मॉलर देन अल्फा, राइट? A comparison is not possible. No values
वाज गिवन टू द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन, तो इसलिए हमको कंपेयर नहीं करना है, राइट। रीस्टेट द रिजल्ट, रिजल्ट में द पी वैल्यू ऑफ द हाइपोथेसिस वाज दिस। ईच इंडिविजुअल कंपनी नाउ विल डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू टू यूज द किली एजेंसी सर्विस और चेंज टू द ब्राउन। ईच विल नीड टू एस्टेब्लिश ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट बेस्ट फिट देयर ओन सिचुएशन and make the decisions using the decisions rules described previously. ठीक है, वो अल्फा का वैल्यू अपने रख के उससे कंपेयर करे, उसको करना है तो करे, ठीक है जी, करेक्ट। सो द फंडामेंटल आइडिया ऑफ द पी वैल्यू इज टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ बिलीव इन द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अलग अलग आपको सेंटेंस मिलेगी क्या, the fundamental idea of p value is to express the degree of belief in the null hypothesis. When the p value is minuscule, matlab something like bahut kam hai, nahi, the null hypothesis would be rejected by everybody, koi bhi reject kar dega, kyun, because the sample result are very unlikely for a true null hypothesis. Right. When p value is fairly small, like 0.10, the evidence against H0 is quite strong and H0 will be rejected by many. ठीक है? When p value जो है, यदि p value begins to get larger, जैसे 0.002 टू 0.08, देर इज टू मच प्रोबेबिलिटी दैट द डेटा लाइक द सैंपल इन्वॉल्व कुड हैव अकर्ड इवन इफ H0 इज ट्रू एंड द रिजेक्शन ऑफ H0 इज नॉट एन इजी डिसीजन। व्हेन द पी वैल्यू गेट्स लार्जर लाइक 0.15 और मोर, the data are not at all unlikely if H0 is true and no one will reject it. No one will reject H0. Correct. The advantage of p-value approach are as follows. The result of the test procedures are expressed in terms of continuous probability scale from 0 to 1. Rather than simply reject or fail to reject basis, उसमें ये नहीं बोल रहा है पी वैल्यू जो जो निकालता है उसमें वो नहीं बोलता है ना कि रिजेक्ट या फेल टू रिजेक्ट, वो जस्ट पी वैल्यू लिख देता है कि इसका पी वैल्यू इतना है। एंड ए पी वैल्यू कैन बी रिपोर्टेड एंड द यूजर इंफॉर्मेशन एंड द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन डिसाइड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस एज इट अप्लाइज टू हिज आवर ओन सिचुएशन। जैसे अभी जो एग्जाम्पल जो हमने दिया वहाँ पे भी पी वैल्यू रिपोर्ट किया, वो बोला कि अब जिन लोगों को हायर करना है, किले एजेंसी को हायर करना है कि ब्राउन एजेंसी को हायर करना है, उनको अपना डिसाइड करने दो, उनको अपना सिग्निफिकेंस लेवल करने दो, उनकी मर्जी है। अब हम जस्ट पी वैल्यू रिपोर्ट करते हैं, हम नहीं बोलते कि रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है या फेल टू रिजेक्ट है नल हाइपोथेसिस। दूसरा, कंप्यूटर्स कैन डू ऑल द कैलकुलेशन एंड रिपोर्ट द पी वैल्यू, दस इल्यूमिनेटिंग द नीड फॉर द टेबल। तो टेबल की जरूरत नहीं है, पी वैल्यू जो है वो वहां से कैलकुलेट करा जा सकता है। द डिसएडवांटेज क्या है पी वैल्यू का, द डिसएडवांटेज ऑफ पी वैल्यू अप्रोच इज द टेंडेंसी फॉर पीपुल टू पुट ऑफ डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो वो लोग नहीं, कोई नहीं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट ये करेगा, डिसाइड करेगा पी वैल्यू रिपोर्ट करना, मुझे क्या करना है, जिसको मर्जी है और ना करे अपना रिजेक्ट करे, राइट। दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन बिकॉज इट इज देन पॉसिबल फॉर समवन टू सेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आफ्टर द फैक्ट लिविंग ओपन द पॉसिबिलिटी दैट द प्रेफर्ड डिसीजन विल रिजल्ट। क्योंकि हमने क्या बोला, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में स्टडी शुरू करने के पहले ही डिसाइड करना है, वो तो पी वैल्यू इतना हो गया तो हम अपनी मर्जी से, अब हमको पता है हम अपना डिसाइड कर लें, अपनी मर्जी से काम चला लें, करेक्ट। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। हाउएवर दिस इज प्रोबेबली इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन द रिपोर्टेड पी वैल्यू विल फॉल इन द हार्ड चॉइस रीजन,
से 0.02 to 0.08 as described previously. Now, दूसरा example, two tailed with the sample data. एक दूसरा example देखते हैं, right? According to the result of this meaningful digit, इतना, ठीक है. वो एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज जो भी है, मीनिंगफुल सिंगल डिजिट रैंडम नंबर इज 4.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2.7. अब बोला है कि ड्रॉ ए रैंडम सैंपल ऑफ 40 डिजिट नंबर फ्रॉम द टेबल 1 इन अपेंडिक्स बी एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस, क्या कि द मीन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर इन टेबल, उसका मीन निकालना है, करेक्ट, टेस्ट करना है हाइपोथेसिस, बेसिकली test the hypothesis the mean of single digit number in table is 4.5. use alpha jo use karna hai 0.10. ab dekho yahan par bhi waise hi kaam karna hai. population parameter interest kya hai, mean value of the population of single digit jo usse nikalna hai mujhe. state the null hypothesis 4.5 kab tha, to hame स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तो नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 4.5 जो मीन इतना है, और यहाँ पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू होगा क्योंकि इसमें इक्वल टू और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ही सिंबल यूज हुआ, तो तीनों मैथमेटिकल सिंबल्स यूज हो गए. हाइपोथेसिस क्राइटेरिया, अब बोला कि एजम्पशन चेक करिए, तो इस केस में हमें सिग्मा पता है, सैंपल साइज 40 है, लार्ज एनफ है टू सेटिस्फाई द सेंट्रल लिमिट थ्योरम. सेंट्रल लिमिट थ्योरम, हाँ ठीक है, सी द डिस्कशन जो भी. आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होना है, तो जेड टेस्ट लगेगा, फिर एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन, यही फॉर्मूला यूज करेंगे. सिग्मा का वैल्यू 2.87 है. डिटर्मिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 0.10, वेरी नाइस. कलेक्ट सैंपल ऑफ एविडेंस, ये कलेक्टेड इंफॉर्मेशन मान लो आया, अब आपने ड्रॉ किया, उठाया उस पर, उसका मीन कितना आया 3.97, एन कितना, तो 40 सैंपल्स लिया. अब कैलकुलेट कर लेंगे 3.97 मीन वैल्यू, पॉपुलेशन मीन हमने मान रखा है 4.50, राइट, तो इसको माइनस कर ले, इसको सॉल्व किया, बन गया -1.16, राइट. अब यहाँ पे कैलकुलेट द पी वैल्यू स्टैटिस्टिक्स बेसिकली, राइट, बिकॉज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इंडिकेट्स ए टू टेल टेस्ट, वी मस्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विथ बोथ टेल्स. द पी वैल्यू इज फाउंड बाई डबलिंग द एरिया ऑफ जेड स्क्वायर, इतना एक, तो दोनों एरिया का कितना एरिया आया 0.10, 1, 2, 3, तो इसको डबल कर देना है, दैट्स ऑल. डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ वेदर और नॉट पी वैल्यू सिग्निफिकेंट अल्फा से क्या है, तो पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा. अब रिजल्ट स्टेट करना है, ग्रेटर है तो फेल टू रिजेक्ट इट 0. स्टेट द कंक्लूजन, द ऑब्जर्व्ड मीन सैंपल मीन इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 4.5 एट 0.1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है जी. अब देखो एक क्वेश्चन टी डिस्ट्रीब्यूशंस पे आता है, जो स्टैटिस्टिक्स नहीं करते, तो टी स्टैटिस्टिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है कि आप लोगों से, मतलब टी स्टैटिस्टिक्स पे नोट भी लिखने के लिए तुम लोगों को आता है एग्जाम में, स्टूडेंट टी टेस्ट पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे काम आ जाएगी. टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए मीन ऑफ 0, पहला प्रॉपर्टी है. T is distributed symmetrically about the mean, right? ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह होता है, symmetrically about the mean. हाँ, ठीक है. T is distributed so as to form a family of distribution, a separate distribution for each different number of degrees of freedom. अलग अलग degree of freedom के लिए, तीन के लिए अलग कर बना, 10 के लिए अलग बना, एक normal distribution का बना. The T distribution approaches to a standard normal distribution as the number of degree of freedom increases. जैसे degree of freedom increase करता जाएगा, तो क्या होगा? यह standard normal distribution को approximate करता है. T is distributed with a variance greater than 1, but as the degree of T is distributed with variance greater than 1, but as the degree of freedom increases, the variance approaches to 1.
ठीक है, टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू बी लेस पिक्ड एट द मीन एंड थीकर एट द टेल्स देन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक चीज है, राइट। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये पैरामीटर है दैट आइडेंटिफाइज ईच डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मेथड प्रेजेंटर, ये छोड़ दें उसकी जरूरत नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो हमेशा एन माइनस वन होता है, राइट। दूसरा, ये बंदा था विलियम घोसेट, यही स्टूडेंट था जिसने टी टेस्ट बनाया था, बस एक चीज बाकी है। हाँ, स्टूडेंट टी टेस्ट, राइट। अब ये चीज जो है अपना पढ़ के देख लेना, यहाँ लिखा हुआ और याद करने की चीज है, राइट। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि डू आई यूज जेड टेस्ट या टी टेस्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करूं कि टी टेस्ट यूज करूं, कब कौन सा यूज करना चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है, राइट। तो स्टार्ट, इन्फरेंसेस कंसर्निंग पॉपुलेशन मीन, म्यू है इसका मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो की क्वेश्चन क्या है, क्या सिग्मा पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है या नहीं पता है, पहला क्वेश्चन। यदि पता है तो यस, क्या करना है, इज सैंपल्ड पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यदि है तो क्या करना है, यूज स्टैंडर्ड टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड यूज करना है। यदि नो है तो देखना है कि क्या यह सैंपल जो है, जो भी इज सैंपल्ड पॉपुलेशन जो है, मतलब सैंपल साइज लार्ज है, यस है तभी भी जेड टेस्ट यूज करना है, नो है तो नंबर टू पे जाना है, राइट। नंबर टू रिक्वायर्स द यूज ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यदि लार्ज नहीं है तो फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट चले जाओ, राइट। यदि मान लो कि सिग्मा नहीं पता है तब क्वेश्चन क्या है कि सैंपल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ यस तो स्टूडेंट टी टेस्ट यूज करना है, समझ गए। और यदि नहीं पता है तो उस केस में ये देखना है कि क्या सैंपल साइज लार्ज है, यदि यस है तो भी टी टेस्ट यूज करना है, और नहीं है तो फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करना है। तो ये है, ये दोनों में से डिसीजन करना हो तो टी स्टैटिस्टिक्स यूज करना है कि जेड स्टैटिस्टिक्स यूज करना है, किससे, वो स्टैटिस्टिक्स वहां पे जो हाइपोथेसिस टेस्ट में हम लोग यूज कर रहे थे जेड स्टार और टी स्टार का फॉर्मूला, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना। अदरवाइज कि टी जो है, टी डिस्ट्रीब्यूशंस जो यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट टी टेस्ट यूज करते हैं दो ग्रुप के कंपैरिजन में, वहां पे यूज करते हैं हम लोग कि मीन डिफरेंस है या नहीं है, उसके लिए जब इन का वैल्यू जो है नंबर ऑफ सैंपल का वैल्यू लेस देन 30 या 30 के आसपास का होता है, ठीक है जी। और स्टूडेंट टिप्स, ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इसको हम नहीं बोलेंगे। ये टिप्स क्या है, द नल हाइपोथेसिस वाज इंट्रोड्यूस बाय लियोनार्ड फिशर, इफ द स्टेटमेंट इन नल हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मस्ट बी ट्रू, दैट्स व्हाट ही सेड रोनाल्ड फिशर ने। दूसरा, व्हेन यू डिक्रीज अल्फा, यदि अल्फा आप डिक्रीज करेंगे द मैक्सिमम अलाउएबल प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप वन एरर, यू आर लाइकली टू बी इंक्रीजिंग द बीटा, राइट। द वैल्यू वन माइनस बीटा इज कॉल्ड पावर ऑफ द टेस्ट, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। पावर ऑफ द टेस्ट क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, यदि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो बीटा का वैल्यू जो है वो इंडिकेट करता है कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। द वैल्यू ऑफ द पावर इज डिफिकल्ट एंड समटाइम्स इम्पॉसिबल टू फाइंड इन मोस्ट केसेस, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बीटा क्या होगा, पावर क्या होगा। दूसरा, देखो इंडिपेंडेंट सैंपल में सैंपल जो है दो अलग अलग पॉपुलेशन से लेते हो, डिपेंडेंट सैंपल में से सैंपल वन सैंपल टू इधर से उधर आप मिक्स कर लेते हो, पहली चीज। दूसरा, डिपेंडेंट सैंपल्स ऑफन इन्वॉल्व बिफोर एंड आफ्टर द रिजल्ट फॉर द सेम पर्सन, राइट, और ऑब्जेक्ट सच एज पर्सन वेट बिफोर स्टार्टिंग द डायट एंड आफ्टर
6 वीक और रिजल्ट्स ऑफ इंडिविजुअल मैच्ड फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है जी। दूसरा स्टडी टिप्स में कि आप नल हाइपोथेसिस जो लिखते हो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो, दो का कंपेरिजन करना है तो दो ग्रुप का कि दोनों का म्यू बराबर था या नहीं था, हाँ, या ऐसे भी लिख सकते हो आप म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, या ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू वन माइनस म्यू टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो, लाइक दिस, दैट्स ऑल, थैंक यू। सो आई होप एग्जॉस्टिव था लेकिन बस ठीक है, अब तो इसके साथ बियर ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे।